हजार की इबादत का महीना रमजान शुरू होने जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की धरती से पूरे देश को इस पवित्र महीने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। लोग इंडिया की इंडिया का नाम लेना पसंद नहीं करते, इंडिया को सुनना पसंद नहीं करते। उस कंट्री के अंदर चीजों के रेट काफी कम होते हैं रमजान आने पर। गैर मुस्लिम कंट्री है वो, उनका जो नरेंद्र मोदी है वो आवाम को रिलीफ दे देता है। इसकी तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपने मोदी का बयान नहीं सुना था, उसने कहा पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। पर्सनली तौर पे यकीन जाने मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्यों? नरेंद्र मोदी के फैन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पता है कि इंडिया में जो है आलू 15 रुपए किलो मिल रहा है। हाँ जी। प्याज जो है वो 20-25 रुपए किलो मिल जाता है। और देखेगा कि अब मैं बैंगन लेने के लिए मुझे कोई बता रहा 150 बता रहा, कोई 200 बता रहा, ये क्या रेट लगे। हमारा अगर आप कर्जे का देखें तो हमारा कर्जा तो हमने सबसे ज्यादा कर्जा चाइना का देना है क्योंकि हमने लिया है, और ये कर्जा किधर गया है? क्योंकि हम लोग खुद ही ऐसे हालात हमने पैदा कर दिए हैं कि पाकिस्तान को, उसने क्या पाकिस्तान को छोड़ दो, हमारा उससे अब मुकाबला ही नहीं है। ये अवाम जो है ये तो हुकूमत को पाल रही है, ये एलीट को पाल रही है, लेकिन एलीट इन रिटर्न में क्या दे रही है? कभी एलीट आपस में लड़ती रहती है, कभी एलीट खाती है, कभी एलीट के ऊपर करप्शन के केसेस हैं। पूरे देश के मुसलमानों को दुआ करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाकर अल्लाह ने भेजा। नरेंद्र मोदी खुद नहीं बेटा है, देश के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अल्लाह के हुक्म से बना है। तो ये किन्नू है, ये 200 रुपए दर्जन तक 250 दर्जन मिल रहे थे, अब माशाल्लाह आप दे रहे हैं जी 300-350। स्ट्रॉबेरी 250 रुपए किलो दे रहे थे, अभी वो इधर आंटी आई है वो कह रही है आगे 600 रुपए किलो दे रहा है पीछे, जी स्ट्रॉबेरी पीछे जो है वो 450-450 रुपए दे रहा है। वो सब कुछ मुसलमानों को भी दे रहा है, हिंदुओं को भी दे रहा है, वहाँ पर फर्क नहीं है। सेहत कार्ड सबके लिए बना, हेल्थ कार्ड सबके लिए बना, तो उस बंदे को अगर ना माने तो किसको मानेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों रमजान का महीना शुरू हो चुका है और अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर में गए थे और वहाँ पर उन्होंने अग्रिम बधाई भी दी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है तो कीमतें जो है ना वो 2-3 गुनी हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बयान आया है उसको लेकर पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोचती है, और पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई हो रही है उसको लेकर उनका क्या रिएक्शन है। तो वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से जब से मैंने होश संभाली है मैं तब से ये चीज़ देखते आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रमजान आने पर चीज़ों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, 10वें रमजान तक चीज़ों को हाथ लगना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो लगता नहीं है कि हमें हमारी जो गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और जो चीज़ों के रेट है वो रमज़ान के अंदर कम करना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए भी पॉजिटिव सोच बने। गवर्नमेंट दावे तो बहुत करती है लेकिन इस पर ना एक्शन नहीं होता। हमारे रमज़ान बाजार बना तो दिए जाती हैं लेकिन उसमें वो चीज़ें बेची जाती हैं जो कि नाकिस चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें मुनासिब रेट पर कभी भी कोई नहीं बेचता। हम लोग इंडिया का नाम लेना पसंद नहीं करते, इंडिया को सुनना पसंद नहीं करते। उस कंट्री के अंदर चीज़ों के रेट काफ़ी कम होते हैं रमज़ान आने पर। आपने बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखी होंगी, हमने बहुत सारी यूट्यूब को एनालिसिस किया है इस चीज़ के ऊपर कि रमज़ान आने पर चीज़ों के रेट कम होते हैं। वो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम कंट्री है वो, उनका जो नरेंद्र मोदी है वो आवाम को रिलीफ दे देता है। हम क्या कर रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को भी फॉलो नहीं, हम मुसलमान को भी फॉलो नहीं कर रहे अपने आप को। तो इसकी तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपने मोदी का बयान नहीं सुना था, उसने कहा पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। क्योंकि हम लोग खुद ही ऐसे हालात हमने पैदा कर दिए हैं कि पाकिस्तान को, उसने कहा पाकिस्तान को छोड़ दो, हमारा उससे अब मुकाबला ही नहीं है। इतनी मतलब हम लोग गिर चुके हैं। अभी रमजान स्टार्ट हुआ है और चीजों के रेट हाथ नहीं लग रहा चीजों को। बिल्कुल ऐसे ही। जब रमजान 10वें रमजान तक पहुंच जाएगा तो फिर ये जो नौइयत है ये किस कदर पहुंच जाएगी कि गरीब का जो 2 वक्त का नवाला वो भी छीना जाएगा। बिल्कुल, मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ ना। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल है, हम स्टूडेंट है, हमारा महीने का खर्चा 20-25 हजार हो जाता है। जो बंदा 15-20 हजार महाना ले रहा है और उसने अपनी एक फैमिली भी रन करनी है तो उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जितने भी मेरे व्यूअरशिप इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस वक्त भाई स्टूडेंट हैं और ये आउट ऑफ सिटी से आए हैं। किस सिटी से आए हैं आप? इस्लामाबाद से आए हैं, फैसलाबाद के अंदर तालीम हासिल करने, और इनका ये कहना है कि खजूरें नहीं हैं, खजूरों का रेट ट्रिपल हो गया और पाकिस्तान के अंदर चीज़ों के रेट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये हॉस्टल में रहते हैं और 25 हजार तक इनका महाना खर्च आ जाता है। आपको पता है कि इंडिया में जो है आलू 15 रुपए किलो मिल रहा है। हाँ जी। प्याज जो है वो 20-25 रुपए किलो मिल जाता है। और देखेगा कि अब मैं बैंगन लेने के लिए मुझे कोई बता रहा 150 बता रहा, कोई 200 बता रहा, ये हाँ। क्या रेट लगे हुए हैं? मतलब सेम रेट नहीं है इधर। हाँ जी, सेम रेट कोई नहीं है, हर बंदे का अपना रेट लगा हुआ है। हाँ। इधर कोई पूछे दसने वाला कोई बात नहीं है। हाँ। मीडिया वाले को इसलिए बता रहे हैं कोई इनका हल निकाले। हाल यार, इनका क्या कसूर है ठेले वालों का? ये ठेके वाले इनका कोई कसूर है, लेकिन हर बंदे का तो अपना रेट लगा हुआ है। देखे चीज तो वही है, लेकिन रेट तो सिंपल होना चाहिए, रेट वही लगा हुआ है। रेट वही लगा। हाँ जी, पैदा क्या हाथ ठेले का अलग अलग रेट? हाँ जी, हाँ, सारे ठेले का अलग अलग रेट है। सेम रेट नहीं है? नहीं, सेम रेट नहीं है।
सेम रेट नहीं है। आगे भी चलते हैं, और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी राय लेते हैं, ठेले वालों से भी राय लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है, मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले हैं। जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो रेट जो है वो आसमानों में चले जाते हैं, ऐसा क्यों है? बाकी ममालिक में देखें तो रमज़ान शुरू होते ही चीज़ें सस्ती होती हैं, और हम बतौर मुसलमान रमज़ान शुरू होते ही चीज़ें और ज़्यादा ऊपर कर देते हैं। एक चीज़ सुन के कितना दुख होता है कि रमज़ान आता है तो लोग बड़ी खुशी से, बड़े अदब से लोगों को मुबारकें देते हैं ताकि हम रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से मना सकें। तो जब रमजान आता है तो हमें ये जो हमारा माफिया है, जो फ्रूट माफिया बैठा हुआ है, ये हमें जीने नहीं देता। सही है। तो ये कैसे ठीक हो सकते हैं हम? असल में इंसान जो है ना, तब्दीली खुद से आ सकती है। अगर हम खुद को चेंज करेंगे ना, फिर है हम दूसरों को ब्लेम तो कर रहे होते हैं लेकिन खुद पे तवज्जो नहीं देते। जब हम अपने गिरबान में जांग लेंगे फिर तब्दीली आएगी। हम लोग दूसरों को कह रहे हैं एक फ्रूट वाला छोटी चीज से शुरू करेगा तभी है। हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमानों को रिलीफ देना चाहिए। आप किसी भी मुस्लिम ममालिक में देख लें, चीजें सस्ती होती हैं सिवाय पाकिस्तान के। सर वहाँ पर जब रमजान आता है, ये नरेंद्र मोदी बताते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के, वहाँ के जितने भी सीएम लोग हैं वो बताते हैं कि हम चीजें सस्ती करते हैं। वहाँ पर रेट भी बहुत कम हो जाते हैं रमजान के महीने में। एक हिंदू स्टेट है, हिंदू स्टेट डिक्लेयर तो नहीं है, सेकुलर स्टेट है लेकिन हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मुसलमानों का इतना ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर चीजें रमजान आए तो चीजें सस्ती होती हैं या महंगी हो जाती हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें एज अ मुस्लिम खुद सोचना चाहिए, बल्कि इंडिया को छोड़ दें जो कि एक सेकुलर स्टेट है, हम भी चूंकि सेकुलर हैं, इंडिया को छोड़ दें, पाकिस्तान को भी छोड़ दें, पूरी दुनिया में जब रमज़ान आता है तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ भी वो चीज़ें सस्ती कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मुस्लिम का रमज़ान आ गया। लेकिन बदकिस्मती से हम क्या इस चीज़ का लाया है अमल दरकार करें कि हमारे ही मुल्क पाकिस्तान में, जो कि एक सुपर पावर भी मुस्लिम कंट्री में शुमार होता है, कि इधर चीज़ें एटॉमिक पावर भी कंसीडर होता है, कि यहाँ पे चीज़ें महंगाई और बढ़ जाती है खसूसन रमज़ान में। तो एक बहुत सिंपल या फिर माड़ा बंदा, उसने अगर कोई भी फ्रूट लेना है अफ्तारी के लिए, कुछ भी चीज़ लेनी है, वो 1015 दफ़ा सोचता है कि यार लें या ना लें। अब जिस बंदे की मजदूरी मेहनत जो है वो एक दिन में 1000 है या 500 है, तो अब वो एक किन्नू के ऊपर इन्वेस्ट कर दे या फिर एक किलो ले या कोई दर्जन केले ले या कोई माल्टे ले, तो उसकी वो, इसका मतलब है दिहाड़ी पूरी होगी ना। उसकी मैं आपको कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। यहाँ पर जो पाकिस्तान में बैठे लोग ये समझते हैं कि भाई जो वहाँ पर मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में, वो तो बड़े तंग हैं, वो तो नरेंद्र मोदी को पसंद ही नहीं करते। इसी बरक्स आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा मैं सर। वो वहाँ पर एक मुसलमान है, वो क्या कहते हैं वो ज़रा सुने, और पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोच रखते हैं ये भी ज़रा सुने, और हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सुनने के बाद। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश के मुसलमानों को दुआ करना चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाकर अल्लाह ने भेजा। नरेंद्र अल्लाह ने भेजा देश के अंदर, अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अल्लाह के हुकुम से बना है, और जब अल्लाह के हुकुम से बना है पूरे देश को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में जो है, हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर सुना है और देखा भी है आपने कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है, हर बार की तरह, ये एक बार नहीं हो रहा है, हर साल पाकिस्तान के अंदर जैसे ही जो है ना ये महीना शुरू होता है तो जो भी फल फ्रूट है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं जमाखोरी की वजह से, क्योंकि लोग जो है ना सप्लाई कम कर देते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं, लोगों को मजबूरन ख़रीदना पड़ता है, तो जो मुनाफाखोरी है, जमाखोरी है, वो पाकिस्तान के अंदर जम कर की जाती है। इसके अलावा बात यहाँ पर यह भी की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब कश्मीर दौरे पर गए थे तो उन्होंने जो है ना तमाम मुस्लिमों को जो है ना रमज़ान की अग्रिम बधाई भी दी थी, उसको लेकर भी बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर भारत के अंदर कुछ ऐसे बयान हैं सोशल मीडिया पर मुस्लिमों के जो वायरल हो रहे हैं, जो मोदी जी की तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तो उन्हीं बयानों को लेकर भी पाकिस्तान की मीडिया में पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।